हेलो, मैं हूं सपना चौधरी और आज हम खेलने वाले हैं माय फर्स्ट स्पीड रिकॉर्ड्स हरवानवी के साथ। तो अभी मेरे साथ सवाल शुरू होंगे। सवाल पहला, फर्स्ट टाइम आपने अपनी सेलिब्रिटी जैसा खुद कब महसूस किया? वो तो मैंने कभी किया ही नहीं। आया आज भी मैं नॉर्मल हूँ। आपका फर्स्ट फैन? मेरा फर्स्ट फैन, फैन तो बहुत है, फर्स्ट तो कोई है नहीं। कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आपको लगा हो कि मेरा मतलब ऐसा फीलिंग आया हो? हाँ, मेरा सबसे पहला फैन है मेरा भांजा आदि। उसने मुझे बताया कि वो मेरे गाने देख के सो सकता है। फर्स्ट ब्रेकअप? अरे फर्स्ट ब्रेकअप कब का हो गया, सेकंड चालू है अभी। फर्स्ट सैलरी आज से 13 साल पहले 10 दिसंबर 2009 को मुझे मिली थी, 1500 रुपये, याद है मुझे। पहला हिट था 12 टिकट। ऑडियो और वीडियो? ऑडियो और वीडियो, ऑडियो 12 टिकट हिट था, वीडियो मेरा हिट था लाडपिया का फर्स्ट। ओके, और पहला फॉरेन ट्रिप? अब तक नहीं गई मैं बाहर, ना मेरे को जाना, ज्यादा पैसा मिलेगा तो जाऊंगी। ओके, पहला डांस परफॉर्मेंस? पहला डांस परफॉर्मेंस था मेरा जब मैंने 2013 में किया था फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस। तारीख मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना ज़रूर याद है कि मैंने हरियाणवी गाना परफॉर्म नहीं किया था, मैंने हिंदी गाना परफॉर्म किया था। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगा मैं, आपको ड्रेसेस में क्या पहनना पसंद है, साड़ी, कैजुअल या कैसा? मुझे हमेशा क्लासिक रहना बहुत पसंद है और मैं ड्रेसेस के मामले में इतना नहीं हूँ कि जहाँ अच्छी लगेगी मैं वहाँ से खरीद लेती हूँ। मैं सेल में से भी ले लेती हूँ, मैं ब्रांड से भी ले लेती हूँ, पर मुझे डिज़ाइनर से परचेज करना अच्छा नहीं लगता। मेरे को अच्छा लगता है कि मैं खुद खरीद के पहनूं। अच्छा, कपड़े को ऐसे भी चलेंगे। पहली बार साड़ी पहनी थी मैंने, बहुत टाइम हो गया, पहली बार साड़ी पहनी थी और मैंने डांस किया था, मेरी मम्मी रोने लग गई थी। पहली बार मैंने साड़ी पहनी थी ब्लैक और ऑरेंज कलर की। समझ सकते हैं। ओके, पहली बार ड्रिंक याद नहीं है मुझे, नहीं अभी रेगुलर हो गया ना तो याद नहीं है। अच्छा, वेज या नॉन वेज? दोनों। ओके, ज्यादा क्या पसंद? नॉन वेज। पहला लग्जरी आइटम, अभी तो रोज खरीदती हूँ, पर मेरे लिए लग्जरी था जब मैं अपनी पहली कमाई से अपनी इनोवा गाड़ी लेके आई थी, वो मेरे लिए बड़ी लग्जरी थी, मेरे को ऐसा लग रहा था मैंने पता नहीं क्या ले लिया। अच्छा, एक अजीब सा सवाल पूछना चाहूंगा, पहला चपेट किसको मारा था? पहला चपेट मैंने अपने स्कूल में 10th क्लास में एक लड़के को मारा था, चपेट नहीं मारा था, ईंट मारी थी। चपेट तो नहीं पता, चपेट तो कईयों को लग गए, ईंट का याद है मुझे। और इंडस्ट्री में आने के बाद जब आप मार्केट में सरवाइव हो गए हो, उसके बाद पहला थप्पड़ किसको लगा? पहला थप्पड़ किसको लगा? थप्पड़ नहीं मारती मैं, सीधा गालियां बकती हूँ अब तो। ओके, गाली गाली में रुला देती हूँ लोगों को, अब पीटने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी हम ये कह सकते हैं कि आप WWE के चैंपियन रह सकते हैं? नहीं, मैं सच्ची हूँ इसीलिए मैं किसी को कुछ भी बोल सकती हूँ। अच्छा मैम, एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे, इंडस्ट्री में सबसे तगड़ा झगड़ा पहली बार? रोज होते हैं मेरे, रोज मेरे पंगे छिड़ते हैं किसी ना किसी से, तो रोज का पंगा मेरा, कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, कभी किसी से कभी किसी से। बहुत बहुत शुक्रिया माई फर्स्ट देखने के लिए, और मुझे बड़ा मजा आया, कुछ इंटरेस्टिंग करने को मिला फर्स्ट टाइम।